काफ़ी रो रही, किस चीज़ को लेकर रिवील होने की बात है? एक्चुअली जब से शादी, एक तो शादी इतनी क्योटिक थी, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी आ गया, तो आई थिंक वी नॉट शेयर दैट मोमेंट जो हम एज सिस्टर्स जो हम कर लेते थे पहले, दिल की बातें उठ जाती थी, अभी उस घर में वैसे हम एलियंस हैं, तो आई थिंक वी हैड दैट मोमेंट टुडे इन अ बूंदी हाउस ओनली फाइनली. जहाँ नैना का मैरिज स्टेटस आपको पता चला है कि कितना ज़्यादा ट्रबल कर रही वो अपनी लाइफ में, बस वही बात है, मुझे पता नहीं था अब तक कि क्या चल रहा है नैना की लाइफ में पर्सनली. जैसा नैना ने बताया, हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला था, तो अब जैसे ही मुझे पता चला, मैं तैयार थी जाके बात करने के लिए, लेकिन नैना हमारी समझदार है, उसने कहा कि वो संभाल लेगी और शी स्ट्रॉन्ग कर लेगी. वही मॉम आ गई, सबका रिएक्शन एकदम चेंज. हाँ, फिर मम्मा, अब ये हम इतने डिस्टर्ब हैं, मम्मा को तो नहीं बताएंगे ना, अच्छा खासा माहौल है. कुछ एग्जैक्टली उन्हें उस टेंशन से हम दूर रखना चाहते हैं. मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं इस रिलेशनशिप को मैं संभाल लूंगी, आप प्लीज चिंता मत करो, इस तरह से. हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, उस बात की बहुत खुशी है हमें. प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारा शो देखते रहिए, ऐसे हिट बना दीजिए और हम सालों साल आपको एंटरटेन करते रहेंगे. थैंक यू.